लिए पढ़ते हैं इसको। एफ एक्स गिवन आपको जी एक्स गिवन है, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे बात करनी है। एक्स कैपिटल एक्स वो सेट है जहाँ एफ एक्स जीरो होता है, कैपिटल वाई जहाँ एफ डैश जीरो होता है, एंड सो ऑन। ओके, तो हमें ये देखो लिस्ट वन में एक्स वाई जेड डब्ल्यू ही दिए हुए हैं, तो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे एक्स वाई जेड और डब्ल्यू क्या है। तो शुरू करते हैं, पहले बात करते हैं कैपिटल एक्स की। ये वो वैल्यूज़ है जहाँ एफ एक्स जीरो होता है, यानी कि साइन पाई कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम जानते हैं साइन जीरो कब होता है, जब साइन के अंदर वैल्यू एन पाई हो, यानी पाई कॉस एक्स मस्ट बी इक्वल टू एन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ एन इंटीजर है और कॉस एक्स का तीन इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है, प्लस माइनस वन और जीरो। और ये कब कब मिलता है हमको, जब जब एक्स की वैल्यू, देखिए जीरो तो हमें मिलता है जब एक्स की वैल्यू पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल होती है, और ये तब मिलता है जब पाई के मल्टीपल होती है। कंबाइंड मिला के हम लिख सकते हैं एन पाई बाई टू, इसमें पाई और पाई बाई टू के सारे मल्टीपल आ गए हैं। तो इस तरह से जो कैपिटल एक्स सेट हमारा, उसमें एलिमेंट होंगे जीरो के आगे हमें बात करनी है तो पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, एंड सो ऑन। मैचिंग भी यहीं चेक कर लेते हैं हम कि एक्स किस किस से मैच करेगा। तो पहले ऑप्शन में आप देखिए थ्री पाई, ये पाई बाई टू के मल्टीपल और ये पाई के, और दोनों ही इसमें आएंगे आगे चल के, तो कैपिटल एक्स मैच करेगा पी से। सेकेंड है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप इन एलिमेंट्स को देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये एक ए पी बना रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मैच करेगा क्यू से। क्यू से करेगा तो आर से करने से रहा, एस में, टी में और यू में आप देख सकते हैं पाई बाय सिक्स, पाई बाय थ्री के मल्टीपल है जो यहाँ है नहीं। तो जो एक्स है वो मैच करेगा पी और क्यू से, यानी फर्स्ट मैच विद पी क्यू। इस वाले क्वेश्चन में हमें थर्ड और फोर्थ की मैचिंग पे ध्यान देना है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट और सेकेंड की मैचिंग पे ध्यान देना है। तो हम सॉल्व साथ चारों कर लेते हैं ताकि दोनों क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट कर सकें। अब आते हैं सेट वाई पे। वाई वो है जहाँ एफ डैश एक्स जीरो होता है, तो अगर हम एफ डैश एक्स कैलकुलेट करें तो वो आएगा, देखिए ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे थोड़ा, एफ डैश हो गया कॉस पाई कॉस एक्स, और फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो पाई साइन एक्स, और दिस मस्ट बी जीरो। अब ये जीरो होगा जब ये जीरो हो या ये जीरो, पहले इसको पकड़ लेते हैं। साइन एक्स जीरो कब होगा, जब एक्स का वैल्यू होगा एन पाई, तो पाई के सारे मल्टीपल आ गए। ये कब जीरो होगा, जब पाई कॉस एक्स का वैल्यू होगा टू एन प्लस वन पाई बाई टू, तो कैंसिल हो गए, कॉस एक्स का वैल्यू मिला पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल। अगर हम पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल की बात करें तो प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस थ्री बाई टू, ये सब बनते हैं, लेकिन ये सब पॉसिबल वैल्यू नहीं है एक्स कॉस एक्स की। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस, कॉस की वैल्यू हाफ होती है पाई बाई थ्री पे, तो ये जनरल सॉल्यूशन है। तो अगर हम यहाँ देखें सेट वाई जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो वाई में देखिए एलिमेंट आएंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, थ्री एन प्लस माइनस वन पाई बाई थ्री। तो कुछ वैल्यूज अगर हम निकालें यहाँ पे, एन का वैल्यू जब आप जीरो पुट करेंगे यू गॉट पाई बाई थ्री, एन का वैल्यू वन पुट करने पे आएगा थ्री माइनस वन टू पाई बाई थ्री, थ्री एन प्लस वन करोगे तो फोर पाई बाई थ्री, ऐसे ही टू पुट करोगे फाइव पाई बाई थ्री, सेवन पाई बाई थ्री, ये सब वैल्यूज आपको यहाँ से मिल रही है। साथ में अब इसकी वैल्यूज को भी यूज कर लेते ना पाई के मल्टीपल, तो पाई का पहला मल्टीपल पाई आ गया, वो यहाँ आएगा, टू पाई यहाँ आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये वाई है, आप देखिए ये पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री, इट कैन बी कॉल्ड थ्री पाई बाई थ्री, फोर पाई बाई थ्री, फाइव पाई बाई थ्री, सिक्स पाई बाई थ्री, सेवन पाई बाई थ्री, तो ये भी कंटिन्यूसली एक ए पी बना रहे हैं। तो अगर हम देखें तो वाई की जो मैचिंग होगी, वाई मैच विद क्यू से तो मैच होना ही है, ए पी में है, पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू उसमें आएंगे नहीं, तो पी से मैचिंग नहीं होगी, इसमें पाई बाई थ्री के मल्टीपल हैं, तो सीधे हम आते हैं टी पे। देखिए टी में पाई बाई थ्री के मल्टीपल हैं और साथ में पाई भी है, तीनों ही टर्म इसमें मौजूद है, तो वाई मैच विद क्यू एंड टी। वाई का मतलब है सेकेंड ऑप्शन अपना, तो सेकेंड मैच विद क्यू एंड टी, और ये हो गया फर्स्ट,
मैच विद पी एंड क्यू, ये नोट कर लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे काम आएंगे इस कैलकुलेशन को मिटा के। और सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही अब हम जी एक्स के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए जेड जो है वो सेट है जहां जी एक्स जीरो होता है, और जी एक्स आपको गिवन है कॉस टू पाई साइन एक्स। अब ये कब जीरो होगा, जब कॉस के अंदर आपको ये जो टू पाई साइन एक्स है ये पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल बनेगा। अगेन पाई से पाई कैंसिल और आपको मिला साइन एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन बाई फोर, यानी साइन एक्स का वैल्यू हो गया प्लस माइनस वन बाई फोर प्लस माइनस थ्री बाई फोर एंड सो ऑन। जनरल सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं इसके तो एक्स इक्वल टू आएगा एन पाई प्लस माइनस साइन इनवर्स वन बाई फोर एंड एन पाई प्लस माइनस साइन इनवर्स थ्री बाई फोर। अब इसकी मैचिंग करते हैं हम, ये जो सेट है दैट इज कॉल्ड जेड और वो थर्ड ऑप्शन में हमारे पास। तो देखिए थर्ड ऑप्शन यानी जेड किस किस से मैच करेगा, पी में पाई बाई टू और पाई के मल्टीपल आप देख सकते हैं इसमें, ना तो पाई बाई टू के मल्टीपल बनेंगे ना पाई के, तो ये पी से मैच नहीं करेगा। सेकंड बोला ए पी बनेगी जब आप साइन वन बाई फोर और साइन थ्री बाई फोर की टर्म्स लेंगे तो उनके बीच के डिफरेंस इक्वल नहीं होंगे तो ए पी भी नहीं बनेगी, तो डेफिनेटली ये आर को मैच करेगा। और उसके बाद अगर हम एस देखते हैं टी देखते हैं यू देखते हैं कोई भी इसमें नहीं आ रहा है ओके, तो थर्ड सिर्फ और सिर्फ आर से मैच कर रहा है। अब हम आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, फोर्थ ऑप्शन है कि जी डैश एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो डिफरेंशिएट करें अगर इसको तो आपको मिलेगा साइन ऑफ टू पाई साइन एक्स इंटू टू पाई इंटू कॉस एक्स दैट शुड बी जीरो, आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो। ये जीरो बनेगा जब एक्स का वैल्यू होगा टू एन प्लस वन पाई बाई टू, और ये जीरो कब बनेगा जब टू पाई साइन एक्स का वैल्यू होगा एन पाई, यानी साइन एक्स का वैल्यू हो गया एन बाई टू। सो द पॉसिबिलिटीज आर जीरो हाफ प्लस माइनस हाफ। इधर आते हैं, इधर से x का वैल्यू जो है वो पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल है, चलो इसको और सॉल्व करते हैं कि x का वैल्यू क्या आएगा। साइन x जीरो है तो x इक्वल टू एन पाई हो गया, और प्लस माइनस हाफ है तो ये हो गया एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स। तो अब देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमको यहाँ से मिलती है। देखिए ये फोर्थ ऑप्शन है हमारा, इस सेट को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो क्या आएगा इसमें, पहली बात तो यहाँ से पाई बाई टू के सारे ऑड मल्टीपल आने हैं, यहाँ से पाई के सारे मल्टीपल आने हैं, इधर हो गया ये सिक्स एन प्लस माइनस वन पाई बाई सिक्स। तो इफ यू पुट एन इज इक्वल टू जीरो पाई बाई सिक्स मिलेगा आपको, एन इज इक्वल टू वन डालोगे तो फाइव पाई बाई सिक्स मिलेगा, सेवन पाई बाई सिक्स मिलेगा एंड सो ऑन। यहाँ से जो वैल्यूज आएगी वो हो गई जैसे पाई बाई टू है ना, थ्री पाई बाई टू लिखेंगे हम उसको अभी, और एन पाई भी है साथ में, सो पाई के मल्टीपल भी मिल रहे हैं, फाइव पाई बाई टू सेवन पाई बाई टू और सेवन पाई बाई सिक्स से पहले पाई आ जाएगा। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, देखिए अगर आप डिफरेंस देखें इनका तो देखते हैं एपी में आते हैं कि नहीं आते हैं। 30 डिग्री है ये, 90 डिग्री है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 60 डिग्री हो गया, ये 90 और 150 है तो इनके बीच का डिफरेंस भी 60 हो गया, लेकिन ये देखिए 150 और 180 तो इनके बीच का डिफरेंस है 30, सो दे आर नॉट इन एपी, तो ये मैच करेगा आर से। और किससे मैच करेगा, पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू, अब देखिए पाई बाई टू के भी मल्टीपल आएंगे इसमें और पाई के भी मल्टीपल आएंगे इसमें, तो पी से भी मैच करेगा। उसके बाद इसमें चूंकि पाई बाई सिक्स के मल्टीपल आ रहे हैं, यहाँ देखिए पाई बाई सिक्स और थ्री पाई बाई फोर, तो इसमें पाई बाई सिक्स तो है लेकिन थ्री पाई बाई फोर हमको नहीं मिल पाएगा इसमें, तो ये जो फोर्थ है ये पी और आर से मैच करेगा। तो चलिए अब सही आंसर ढूंढते हैं, थर्ड और फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, फोर्थ मैच विद पी आर एस। ओके एस हमने चेक नहीं किया है शायद, हाँ ये रहा एस, पाई बाई सिक्स सेवन पाई बाई सिक्स एंड थर्टीन पाई बाई सिक्स, तीनों देखो पाई बाई सिक्स के मल्टीपल है
सेवन पाई बाई सिक्स नज़र आ ही रहा है, पाई बाई सिक्स नज़र आ रहा है, और जब मैं एन का वैल्यू टू पुट करूँगा तो 12 + 1 13 पाई बाई सिक्स भी इसमें मिलेगा, तो एस भी मैच करेगा फोर्थ ऑप्शन से। तो इन चारों में से ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये फर्स्ट आंसर अपना करेक्ट हो गया, बाकी सब रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी सेम डेटा है सारा। अब आपको फर्स्ट और सेकंड के लिए सही ऑप्शन मैच कराना है कौन सा होगा, तो ये फर्स्ट और सेकंड रहे, फर्स्ट मैच विद पी क्यू, तो आप देखिए ये भी गलत और ये भी गलत, और सेकंड मैच विद क्यू टी, ये रहा सेकंड मैच विद क्यू टी, तो इसमें फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। तो ऐसे दोनों क्वेश्चन जो हमारा एक ही क्वेश्चन पे बेस्ड थे। चलिए नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और जैसा आप देखे होंगे कि पूरे पेपर टू में यही क्वेश्चन है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। लेट द सर्कल सी वन, ध्यान से देखिए, सी वन सर्किल है जिसका सेंटर है ओरिजिन पे, इसको नाम मैं ए दे देता हूं। सी टू इज अनदर सर्कल, सेंटर 3.4, रेडियस उसका 16 है, इंटरसेक्ट दिस एट द पॉइंट एक्स वाई, तो यहाँ कहीं इससे थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं, और ये इसका सेंटर है, इसको नाम देते हैं बी, दिस इज 3.4, इसकी जो रेडियस है वो है 4, इसकी जो रेडियस है वो है 3। यहाँ भी हम इक्वेशंस लिख लेते हैं इनकी ना, मैं पहले सर्किल की इक्वेशन को S1 बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो -4 = 0 -9 S2 जो है इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -k 6x - k 8y और ये हो गया 9 16, तो +k 9 = 0। ये दोनों सर्कल की इक्वेशन है। सपोज दैट अनदर सर्कल C3 जिसका सेंटर HK है, रेडियस R है, सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, सेंटर ऑफ C3 इज कोलिनियर विद सेंटर ऑफ C1 C2। ओके, यानी C3 का सेंटर इसी लाइन पे आएगा कहीं ना कहीं, C1 एंड C2 बोथ लाइज इनसाइड C3, तो C3 ओके, आगे ये भी गिवन है कि C3 टचेस C1 एंड C2, तो इस सारी इंफॉर्मेशन से ये क्लियर हुआ कि C3 सर्किल जो है वो ऐसा होगा इन दोनों को टच करते हुए, सेंटर भी इसी के ऊपर है, तो ओबीसी बात है इन्हीं पॉइंट पे टच करेगा। लेट द, अच्छा इनके नाम गिवन हमको, C3 टचेस C1, ये C1 है तो ये हो गया पॉइंट M, ये हो गया पॉइंट N। लेट द लाइन थ्रू X एंड Y आर द इंटरसेक्शन पॉइंट, दीज आर X एंड Y, सो द लाइन थ्रू XY इंटरसेक्ट C3 एट Z एंड W। काफी सारी इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, तो लेट दीज पॉइंट आर Z एंड W, ओके, एंड लेट अ कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C3, C1 यानी ये वाला सर्किल, C3 ये वाला सर्किल, C1 C3 की कॉमन टेंजेंट आप देख सकते हैं इंटरनली टच कर रहे हैं, तो एकमात्र पॉसिबिलिटी यहीं पर है, तो ये कॉमन टेंजेंट है जिस बारे में बात करनी है अपने को, ये जो टेंजेंट है ये पैराबोला की भी टेंजेंट है, ओके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, अभी करना क्या है उसके लिए हम लिस्ट 1 पढ़ते हैं। देखिए आपको 2H+K पता लगाना है, और 2H+K तो HK C3 के सेंटर, तो C3 का सेंटर ढूंढेंगे हम सबसे पहले, तो आइए देखो शुरू करते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 0 0 है, ये 3.4 है, तो डिस्टेंस जो है ये निकल के आएगी 5, तो ए बी का वैल्यू 5 है, बी एन का वैल्यू आप डायग्राम से देखिए 4 है, और ए एम का वैल्यू जो है वो है हमारे पास 3, ये 3, ये 5, ये 4, अगर अपन इनको ऐड कर लें तो आपको मिलेगा 12, और ए बी ये सब मिला के देखिए ये बन गया एम एन, और अगर गौर से देखें तो एम एन सी थ्री का डायमीटर है, सी थ्री की रेडियस गिवन है आर, तो ये वैल्यू हो गई 2R के बराबर, यानी आर का वैल्यू हो गया 6,
ओके, अब जो C3 का सेंटर है वो इसी लाइन पे है कहीं ना कहीं, और इसका मिडिल पॉइंट है वो, तो अगर हम यहाँ से पता लगाएं तो 6 डिस्टेंस पे आना चाहिए। अब देखिए इसका ये लेंथ 3 है, रेडियस तो ये भी 3, तो पक्का ये ही जो है इसको C ही नाम दे देता हूँ, ये C3 का सेंटर है H, K जो हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा ये जो डिस्टेंस है ये 3 है, क्या हम पता कर सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी है? तो यहाँ से यहाँ तक 4 डिस्टेंस हो गया, और 3 और 3 6 और 4 10 हो गए, टोटल डिस्टेंस 12 थी, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 2 हो गई। इससे मुझे ये पता लग गया कि C डिवाइड्स AB इन रेशियो 3:2। अब अपन यहाँ सेक्शन फार्मूला लगा के पॉइंट C के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ये 3.4 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 2 को करेंगे इधर 0 से, और डिवाइड करेंगे 3 + 2, तो ये आएंगे 9/5, 3 × 4 = 12, और 0 ये आएगा 12/5। तो ये है H और K की वैल्यू। इस तरह से हमें पता चला कि 2H + K का वैल्यू होगा 18/5 + 12/5, ये हो गया 30/5 यानी कि 6। तो इस तरह से जो फर्स्ट ऑप्शन है लिस्ट 1 का, दैट विल मैच विद P। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन से हमें ये पता लगा, और ये चूंकि हमारे किसी काम आ नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अभी इन दोनों में से कौन सही है जानने के लिए सेकेंड ऑप्शन पे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है? लेंथ ऑफ ZW डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ XY। ओके गाइस, ये है ZW, ये है XY। देखिए लाइन जो है, लाइन ZW और लाइन XY दोनों सेम है, और लाइन XY आप बोल सकते हो इसको। इसकी अगर मुझे इक्वेशन निकालनी हो, अगर हम इसको बड़े ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि ये इन दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड है। दो सर्कल की कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है S1 - S2 = 0। दोनों की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आपस में, या S1 रहा या S2 रहा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा X2 Y2 कैंसिल हो जाएंगे, 6X + 8Y - 9 - 9 मिला के -18 = 0। फाइनली वी कैन राइट 3X + 4Y - 9 = 0। राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें XY की वैल्यू निकालनी है। इसी डायग्राम को देखते रहिएगा, XY इस सर्किल की कॉर्ड है, और लेंथ ऑफ कॉर्ड हमको कैलकुलेट करनी है। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करने वाले हैं। ये लेंथ है 3, ये लेंथ और कैलकुलेट कर लेते हैं हम। लेट दिस पॉइंट इज P। तो ये जो AP है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 0 0 से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। तो ओरिजिन से लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 0 0 पुट करेंगे, या 0 + 0 - 9 मॉड डिवाइडेड बाय √3² + 4² यानी कि 9/5। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि AP का वैल्यू आ रहा है 9/5। अब AP का वैल्यू 9/5 आ गया, तो XY की वैल्यू क्या होगी? काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। XY की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ PY, इसका डबल हो जाएगा, और ये लेंथ पाइथागोरस से निकल के आएगी 2 × 9 √3² - AP² विच इज 81/25। सो XY इज इक्वल टू 2 × √9 - 81/5। सो लेट वी कैलकुलेट दिस 2 यहाँ से हम 9 को कॉमन ले लेते हैं, बाहर आके 3 हो गया, अंडर रूट में बचेगा 1 - 9/25। ये हो जाएगा देखिए 16/25 यानी कि 4/5, 4 और 6 ये हो गया 24/5। तो ये जो लेंथ है XY, ये आई है अपने पास 24/5। अभी अपने को लेंथ ऑफ ZW भी कैलकुलेट करनी है। ZW ये रहा, ZW भी कॉर्ड है, C3 की कॉर्ड है, तो बिल्कुल इसी तरह से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। इक्वेशन सेम है, C3 का जो सेंटर है वो है H, K यानी कि ये रहा सेंटर,
तो यहाँ भी हम वही कंसेप्ट लगाएंगे, थोड़ा यहाँ हम शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये लाइन है, ये पॉइंट है 9/5, 12/5, ये लेंथ अपने को कैलकुलेट करनी है, ये इसकी रेडियस है C3 की जो गिवन है 6, तो ये लेंथ कितनी होगी। ये फिर से हम 9/5, 12/5 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालेंगे, तो वो देखिए कितनी होगी। अब ये जो लेंथ है ये आएगी इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 27/5 प्लस 48/5 माइनस 9 डिवाइडेड बाय √3² + 4² विच इज 5। 48 प्लस 27 ये हो गया 75 डिवाइडेड बाय 5 15 माइनस 9 6/5, तो ये सारा कैलकुलेट होके निकल के आ रहा है 6/5। तो गाइस ये लेंथ है 6/5। अब बारी ये कैलकुलेट करने की, अब जगह हमारे पास थोड़ी सी यहाँ है अभी, तो ये ट्राई करते हैं। जेड डब्ल्यू का वैल्यू होगा 2 × √ इस लेंथ का डबल, और ये हो गया 36 माइनस 36/25। 36 हम कॉमन ले लेंगे, यार 25 है सॉरी, तो ये हो जाएगा 12 और 1 − 1/25 कैन बी रिटन 24/25, यानी √24/5 हो गया। ये √24 को लिख सकते हैं 2√6, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 24√6/5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड डब्ल्यू। तो फाइनली वो जेड डब्ल्यू है, ये एक्स वाई है, सो इफ वी डिवाइड जेड डब्ल्यू बाई एक्स वाई, 24/5 कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ √6, यानी ये जो सेकेंड ऑप्शन है हमारा जेड डब्ल्यू अपॉन एक्स वाई, इसका वैल्यू आएगा √6। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन किससे कनेक्ट हुआ, सेकेंड ऑप्शन कनेक्ट हो रहा है क्यू से। तो ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। इससे पहले कि हम आगे मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी डेटा पे बेस्ड है तो हम इसको रिमूव नहीं कर रहे हैं, हाँ ये जरूर हटा दे रहे हैं। अब हमें थर्ड और फोर्थ की मैचिंग देखनी है और फर्स्ट की भी देखनी है। ओके, और द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली इनकरेक्ट पूछ रहा है ये हमसे। एक बार इसको देख के लगा था कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट मैच विद पी ये सही आंसर है, लेकिन अब ये गलत हो गया क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को टिक करना है और अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलिए थर्ड को शुरू करते हैं। तो जो डेटा अब हमारे आगे काम का नहीं है हम उसको रिमूव कर देते हैं, जैसे कि ये 2H+K, ये अब किसी काम नहीं आने वाला हमारे। जेड डब्ल्यू की वैल्यू शायद काम आ जाए तो वो रख लेते हैं, एक्स वाई की वैल्यू भी नोट कर लेते हैं हम। जेड डब्ल्यू का वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ रहा है 24√6/5, एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ रही है 24/5, और कोई वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया, एपी का वैल्यू एक हमने कैलकुलेट किया 9/5, चलिए लिखा हुआ है ये, और बाकी सबको रिमूव करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता है। ये थर्ड क्वेश्चन में करना क्या है हमको, ये डब्ल्यू है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन में है एरिया ऑफ ट्राइंगल एम जेड एन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल जेड एम डब्ल्यू। चलिए जी एम जेड एन, एम जेड एन ये ट्राइंगल अगर हम बना देते हैं तो इसका एरिया निकालने के लिए हम बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू इसका बेस हो जाएगा एम एन, इसकी जो हाइट है वो हो गई पी जेड। पी जेड को देखिए, पी जेड जो है वो जेड डब्ल्यू का हाफ होगा क्योंकि ये डायमीटर है, ये इसके परपेंडिकुलर कॉर्ड है, तो डेफिनेटली हाफ लेंथ पे होगा। तो पी जेड को हम लिख सकते हैं जेड डब्ल्यू बाई टू, क्योंकि जेड डब्ल्यू का वैल्यू पता है हमको, डिनोमिनेटर में आते हैं हाफ ऑफ जेड एम डब्ल्यू, जेड एम डब्ल्यू ये वाला ट्राइंगल की बात करनी है। तो इस ट्राइंगल के लिए भी हाफ इंटू बेस, इसका बेस हो गया जेड डब्ल्यू,
इसकी हाइट हो गई एम पी। देखिए जेड डब्ल्यू से जेड डब्ल्यू कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, एम एन डिवाइडेड बाय टू एम पी हमको मिल रहा है। एम एन की वैल्यू 12 है, एम पी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। एम पी देखिए ये रहा एम ए, ये तो है 3 प्लस ए पी का वैल्यू है 9/5। तो हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, 3 2 6 हो गया, 6 इसको डिवाइड करेगा, 2 रह जाएगा ऊपर, नीचे रह जाएगा 1 प्लस 3/5 यानी कि 8/5, कुल मिला के 5/4। सो जो थर्ड ऑप्शन है दैट विल मैच विद 5/4, 5/4 जो है वो आर ऑप्शन में है, यानी कि थर्ड जो मिला हमें दैट मस्ट मैच विद आर। इसका मतलब ये भी सही हो गया, सही हो गया मतलब ये आंसर नहीं है। ओके, तो अभी हमको फोर्थ ऑप्शन और सॉल्व करना ही पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि इन दोनों में से कौन सा इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, देखिए फोर्थ ऑप्शन में आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है और अल्फा क्वेश्चन में कहाँ है, अभी तक तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दिया, ये रहा अल्फा। लेट द कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C3 बी द टेंजेंट टू द पैराबोला। एक बार हम इसको रिमूव कर देते हैं डायग्राम को और फ्रेश डायग्राम बना के आपको बताते हैं। देखिए कुछ ऐसा डायग्राम था C1 C2 C3। C1 की इक्वेशन पता है, C2 भी पता है, C3 की जो इक्वेशन है S3 अपन उसको बोल देते हैं, दैट इज x -9/5 का स्क्वायर प्लस y -9/12/5 स्क्वायर और रेडियस था इसका 6, तो -k 36 इक्वल टू 0। और अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो दिस कैन बी रिटर्न x² + y² - 18/5x -24/5y और आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगी 81/25 प्लस 144/25 -36। 144 और 81 मिला के होगा गाइस 225 को 25 से डिवाइड करेंगे को मिलेगा 225 डिवाइडेड बाय 25 9 -36 हो गया -27 इज इक्वल टू 0। काफी सारी इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, ये हमने इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि अब हमको कॉमन टेंजेंट निकालनी है ये वाली, और ये जो टेंजेंट है देखो ये कॉमन टेंजेंट है, ये इनकी कॉमन कॉर्ड भी है C1 और C3 की, तो इस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आएगी सिंपली S1 - S3 = 0 से। तो ये S1 रहा, ये S3 है, सब्ट्रैक कर लेते इक्वेशन को सीधे सीधे, तो इसकी इक्वेशन है 18/5x प्लस 24/5y और यहाँ है -9 - 27, सब्ट्रैक्ट करने पे बन जाएंगे +18 = 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस कॉमन टेंजेंट। अब ये बोला ये जो कॉमन टेंजेंट है ये पैराबोला x² = 8α y की भी टेंजेंट है, x² = 4ay जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी जो टेंजेंट होती है वो होती है y = mx - am² फॉर x² = 4ay। रिमेंबर ना y² = 4x की बात नहीं कर रहे, यहां एका वैल्यू है, अगर हम इसको 4ay से कंपेयर करें तो एका वैल्यू है 2α, तो टेंजेंट आनी चाहिए ये और इधर से आ रही है ये। अगर हम इसको भी इसी पैटर्न में लिखना चाहें स्लोप फॉर्म में तो y = आएगा, ये उधर चला गया, डिवाइड करेंगे 18/24 3/4 -k 3/4x और माइनस के ही 18/3/4 = 5 यानी कि 15/4। तो गाइस अगर इसको इसको कंपेयर करते हैं हम तो m का वैल्यू, अब चूंकि मुझे इस डेटा की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां से हमको मिला m का वैल्यू -3/4 और -2α m² का वैल्यू -15/4।
ये m की वैल्यू यहाँ यूज कर लेते हैं, तो माइनस टू अल्फा 9/16 इज इक्वल टू -15/4। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से ये गया 4 टाइम, 2 से गया 2 टाइम, 3 से कैंसिल कर देते हैं 5, और यहाँ 3 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 10/3। तो फाइनली 10/3 है अपने पास यू ऑप्शन में, यानी कि जो फोर्थ है लिस्ट में वो मैच करेगा यू से। इट मींस ये वाला ऑप्शन सही है लेकिन ये आंसर नहीं है। सो द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन इज दिस। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2।